चौरी चौरा थाने में तैनात महिला कांस्टेबल की मौत डेंगू से नहीं हुई है। यह बात सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने गोरखपुर न्यूज को बताते हुए कहा कि महिला की रिपोर्ट आई है जिसकी जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। महिला कांस्टेबल की एलाइजा की रिपोर्ट नहीं थी। महिला बक्सर बिहार गई थी। वापस आने के बाद तबियत खराब होने पर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर उनको लखनऊ रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कुछ नहीं पाया गया। जांच चल रही है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसे सुनिश्चित किया जाएगा कि चौरी चौरा थाने में तैनात महिला कांस्टेबल की मौत किस कारण से हुई है। उन्होंने कहा कि जनपद में 192 डेंगू के मरीज मिले हैं और 4 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं। जिले में किसी भी मरीज की मौत आज तक डेंगू से नहीं हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, डेंगू से महिला की मौत नहीं है। महिला का जो प्रिलिमिनरी टेस्ट किया गया था वो NS1 पॉजिटिव आया है। उसमें डेथ ऑडिट की हमने टीम गठित कर दी है। डेथ ऑडिट हो रहा है। एलाइजा की रिपोर्ट नहीं थी उसमें। और महिला जो है बक्सर शायद गई थी, बक्सर से वापस आई थी और उनका अपने होम टाउन में जहाँ से वो यहाँ आई थी और उनकी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुई। प्राइवेट हॉस्पिटल से वो कहीं बाहर रेफर हुई थी। रास्ते में उनकी जो है दुखद मृत्यु हुई है और उनका पोस्टमार्टम भी कराया गया था। पोस्टमार्टम में भी कोई कॉज ऑफ स्पेसिफिक डेथ का नहीं पता चला है। बिस्तर उनका प्रिजर्व किया गया है। जांच चल रही है। जो भी रिजल्ट आएगा वो सूचित किया जाएगा। सर जनपद में कितने भाई अभी तक जनपद में कुल 192 पेशेंट आ चुके हैं भर्ती से। 4 मरीज भर्ती हैं अभी।